तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल तुम सब की। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे। तो तुम सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने माइनक्राफ्ट के एक और बहुत ही बेहतरीन मोड वीडियो में। तो गाइस, थंबनेल देखे तो तुम लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि इस वाले वीडियो में तुम लोग के लिए कौन सा मोड लेके आया हूँ। तो हाँ गाइस, इस वाले वीडियो में तुम लोग के लेके आ चुका हूँ डेथ नोट एड ऑन, वो भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। और ये जो एड ऑन है गाइस, ये माइनक्राफ्ट का जो लेटेस्ट वर्जन 1.20 उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथली चलता है गाइस। तो अगर तुम लोग जानना है कि तुम लोग यहाँ पे इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, किसके टाइप का फीचर्स तुम लोग देखने को मिलता है इस वाले मोड में, तो ये सब जानने के लिए सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से कमेंट भी कर देना गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे तुम लोग यहाँ पे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तुम लोग वहाँ पे इस मोड का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंपली चलो वहाँ पे जाओ, इस मोड को डाउनलोड करके अपने माइनक्राफ्ट इंपोर्ट कर लो गाइस। इसके बाद तुम लोग को सिंपली यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट करने टाइम इस मोड का एक्टिवेट कर देना है और तुम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी इनेबल कर लेना है गाइस। इसके बाद मैं तुम लोग बताता हूँ कि ये जो एड ऑन ये काम कैसे करता है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले तो तुम लोग को यहाँ पे जो तुम्हारा डेथ नोट है वो और तुम लोग का एक पेंसिल अपने इन्वेंटरी में देखने को मिल जाएगा। जैसे तुम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिंपली तुम लोग को इन दोनों आइटम्स को ले लेना है। इसके बाद गाइस, ये जो पेंसिल तुम दिख रहा है यही मतलब रियल मतलब यही ओरिजिनल मतलब है गाइस। तुम लोग यहाँ पे जैसे इस वाले पेंसिल की मदद से किसी भी एंटिटी को मारोगे, और हाँ तुम लोग यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना कि इस वाले मोड की मदद से तुम लोग यहाँ पे सारे मोब्स को नहीं मार पाओगे, बल्कि वैसे मोब्स को मार पाओगे जो थोड़ा ह्यूमन लाइक दिखता है, लाइक तुम्हारे विलेजर हो गया, जोम्बी हो गया, मतलब जो थोड़ा ह्यूमन जैसे दिखता है उन सारे के सारे तुम लोग यहाँ पे मोब्स को सिर्फ मार पाओगे गाइज। और कैसे मारना है ये मैं तुम लोग यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपली तुम लोग यहाँ पे पेंसिल देख सकते हो, जैसे तुम लोग यहाँ पे इस वाले पेंसिल से किसी भी ऐसे मूव को मारोगे जो थोड़ा ह्यूमन जैसे दिखता है, तो वो ऑटोमेटिकली 500 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली मर जाएगी। जैसे तुम लोग यहाँ देख सकते हो, इस वाले विलेजर को मैंने यहाँ पे इस वाले पेंसिल से मारा, और नीचे तुम लोग यहाँ पे टाइमर देख सकते हो कि इसका किल टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है गाइज। और जैसे ये किल टाइम खत्म हो जाएगा, ये जो विलेजर है यहाँ पे ऑटोमेटिकली मर जाएगा गाइज। तुम लोग यहाँ पे देखना अभी, तो गाइज तुम लोग यहाँ देख सकते हो इसका टाइम लगभग यहाँ पे खत्म होने वाला, और जैसे इसका टाइम खत्म हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मर गया गाइज। इसी तरह से तुम लोग यहाँ पे इस वाले पेंसिल और इस वाले नोटबुक का यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, तुम लोग यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये जो नोटबुक है, इस वाले नोटबुक को खोलने के लिए तुम लोग को यहाँ पे एक कमांड डालना पड़ेगा। अगर तुम लोग यहाँ पे वो लोग कमांड नहीं डालोगे तो ये जो नोटबुक है ये तुम्हारे यहाँ पे खुलेगा नहीं गाइस, मतलब तुम्हारा बंद ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे काम तो करेगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पे और भी जो फीचर्स इस वाले नोटबुक को वो तुम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे गाइस। तो कमांड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह कमांड है। इस वाला कमांड को तुम लोग को सिंपली डाल लेना है गाइस सबसे पहले तो। और हाँ, तुम लोग यहाँ पे इस वाले कमांड को डालते टाइम एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस वाले कमांड को डाल रहा हूँ, आई मीन स्पेसेस हो गए यहाँ पे, उसी तरह से तुम लोग को यहाँ पे सारा कमांड को सेम टू सेम लिख रहा है गाइज। अगर तुम लोग यहाँ पे एक भी लेटर को यहाँ वाले की देखो तो ये जो तुम्हारा मोड है यहाँ पे काम नहीं करेगा गाइज। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा यहाँ पे कमांड है नोट के बाद, सिंपली तुम लोग यहाँ पे 4-9 लिख देना है। इसके बाद तुम लोग को सिंपली ये जो कमांड है सिंपली तुम लोग यहाँ पे रन कर देना है गाइज। और जैसे तुम लोग यहाँ पे इस वाले कमांड को रन कर दोगे, तुम लोग यहाँ पे इनेबल हो जाओगे इस वाले नोटबुक को खोलने का। और जैसे तुम लोग यहाँ पे इस वाले नोटबुक को खोलोगे, तुम लोग को यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा टाइप का ऑप्शन तुम लोग देखने को मिल जाएगा तुम्हारे एनिमी को मारने का गाइज। तुम लोग यहाँ देख सकते हो, और ये ऑप्शन चेंज करने के लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पे क्राउच कर जैसे जैसे करते जाओगे, तुम्हारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो टिक का बटन है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली नीचे आते जाएगा और तुम्हारे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चेंज होते जाएगा। इस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली तुम लोग यहाँ से जो भी ऑप्शन चाहते हो अपने एंटिटी को मारने का, सिंपली उसे चूज कर लो और इस वाले पेंसिल की मदद से सिंपली सिर्फ उस वाले मोड को एक बार हिट कर दो गाइस। इसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो मूव है 500 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे तरीके से मर जाएगा जिस तरह से तुम लोग यहाँ पे उसे मारना चाहते हो। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि इसका यहाँ पे अभी डेड टाइम शुरू हो गया है, और जैसे यहाँ पे इसका टाइम खत्म होगा इस ये जो विलेजर है ये इसका खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पे देखना अभी लाइक मतलब तुम लोग 500 सेकंड मिलता है गाइस किसी मूव को बचने का। तुम लोग यहाँ देख सकते हो जैसे इसका टाइम खत्म हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली मर गया गाइस। और जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि ये जो एड ऑन है इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिंपली तुम लोग वहाँ पे जाओ इस मोड को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और मजे करो गाइस। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है तुम लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को भूले मैंने लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना गाइस। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।